बेशक हिमाचल सरकार ने बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए बंदरों को बर्मीन घोषित करके इन्हें मारने से पाबंदी हटा दी है, लेकिन आस्था के चलते बंदरों का शिकार करने की कोई जहमत नहीं उठा रहा, जिससे प्रदेश में बंदरों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ऊना जिले में इन दिनों बंगाड़ा उपमंडल में बंदरों के आतंक से नलवाड़ी गाँव के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण बंदरों के उत्पाद से खेती बाड़ी का काम भी छोड़ चुके हैं। बेशक हिमाचल सरकार ने बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए बंदरों को बर्मीन घोषित करके इन्हें मारने पर प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन आस्था के चलते बंदरों का शिकार करने वालों की कोई जहमियत नहीं उठा रहा है, जिससे प्रदेश में बंदरों की संख्या में लगातार वृद्धि भी होती जा रही है। सरकार द्वारा बंदरों की संख्या में कमी लाने के लिए बंदर नसबंदी केंद्र तक स्थापित किए गए थे, लेकिन बंदर नसबंदी के आंकड़े महज कागजों तक ही सीमित हैं। धरातल पर लगातार बंदरों की संख्या में बढ़ोतरी भी होती जा रही है, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। जिला ऊना में इन दिनों बंगाड़ा उपमंडल में बंदरों के आतंक से नलवाड़ी गांव के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण बंदरों के उत्पात से खेतीबाड़ी छोड़ चुके हैं, क्योंकि बंदर फसलों की बिजाई के साथ साथ बीजों को उखाड़ना भी शुरू कर रहे हैं, जिससे किसानों के खेत खाली हो जाते हैं। नलवाड़ी गांव के बाशिंदों की माने तो बंदर इतने खूंखार हो चुके हैं कि कई बार घर में घुसकर उत्पात मचाते हैं। यही नहीं, बंदरों के कारण वे अपने बच्चों को अकेला स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि बंदर बच्चों को काटने के लिए भी पीछे दौड़ पड़ते हैं। यही नहीं, बंदर पहले भी कई बार ग्रामीणों पर हमला कर चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से बंदरों की समस्या से निजात दिलवाने की गुहार भी लगाई। जनाब, मैं यहाँ नलवाड़ी गांव का वासी हूँ, परमानेंट वासी हूँ यहाँ का। हमारे पास यहाँ पर बंदरों का जो पहले तो थोड़ा कम थे, आजकल कोई 7-8 साल से तो बंदरों की इतनी तादाद बढ़ गई है हमारे गाँव के बीच में कि यहाँ पर हमारे को फसल तो है ही नुकसान कर ही रही है। फसल तो हमारे खेत तक छोड़ना बाना ही छोड़ दी है, अभी काफी खेती छोड़ दी है, और ये घरों के बीच में भी आगे तंग कर रहे हैं हमारे पास। हम घर में जैसे कि रोटी वगैरह बनाते हैं तो किचन में आ जाते हैं, किचन से खाना उठा के ले जाते हैं। यदि हमारे से बाई चांस खुला रह जाता है किचन का दरवाजा लगाने से, तो ये अंदर घुस जाते हैं, तो अंदर घुस करके सारा तोड़ फोड़ नुकसान कर देते हैं। फ्रिज वगैरह अपने आप खोल लेते हैं, ये इतना चलाक जानवर है। दूसरा, एक रास्ते में क्या होता है, हमारे पास में आते जाते बच्चे अभी छोटे आते जाते हैं, बड़े जो कुछ बड़े बड़े जानवर हैं, बड़े भारी भारी हैं, वो छोटे बच्चों को तो ड्राइव जाते हैं, पर हमारे को बड़े आदमी को भी यदि हाथ में हमारे पास में यदि डंडा हथियार नहीं है तो हमारे को खाने पड़ जाते हैं। वो हमारे पास बच्चों को अकेले छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास में जो बंदरों का जैसे हमारे को इतना नुकसान हो रहा है, हमारे पास इतनी परेशानी हो रही है, हमारे को हमारे बच्चों को आने जाने का समस्या हो रही है, खेती के बच्चे हमारी खेती खेत खिले रहने छोड़ने पड़ रहे हैं हमारे को, तो इन सारे का प्रबंध कैसा किया जाए कि ताकि हमारे हम किसान लोग जो आदमी हैं हम घरों में आसानी से रह सकें, खेती को दोबारा हम शुरू कर सकें, ताकि ये जो खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं इनका ऐसा प्रशासन कोई प्रबंध करे ताकि हमारे को हम इस निजात से हमारे को छुटकारा मिल सके। बंदरों की समस्या तो बहुत आई, हम लोग बाहर से लोग आते हैं सड़क में उनको डालते हैं, कुछ बच्चे हमारे जाते हैं तो उनको बहुत तंग करते हैं। अब उनके जोड़े बैग वगैरह जो रोटी हम देते हैं वो भी उनसे खींच लेते हैं। वो तो इन बंदरों ने तो हमारा मतलब यहाँ पर खेती बाड़ी करना हमारे को दुश्वर कर दिया है, इसलिए इन बंदरों को निजात दिलाने के लिए हमें कुछ सरकार करे ताकि हम दोबारा हम अपने बच्चों को सही तरीके से स्कूल भेज सकें, क्योंकि रास्ता पैदल चलना पड़ता है बच्चों को, दूर जाकर सड़क में जहाँ हम बच्चे खड़े होते हैं वहाँ पर भी आ जाते हैं, कई बार बच्चों के आशा अगर चीज दी जाए वो भी उनसे खोज लेते हैं।